हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कोड है 503, लेसन 21 का टॉपिक है 114, पोलाइटनेस थीरी। पोलाइटनेस थीरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू पीपल मस्ट नो अबाउट दैट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक टॉपिक और बहुत आसान सा टॉपिक है। चलें लेट्स डिस्कस दिस। पोलाइटनेस जनरली रेफर टू द आइडियाज़ लाइक बींग टैक्टफुल, मॉडेस्ट एंड नाइस टू अदर पीपल्स। इन प्रैग्मेटिक्स पोलाइटनेस कैन बी डिफाइंड एज शोइंग अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ऑफ अनदर पर्सन्स फेस। जॉर्ज यूल ने ये बात कही थी। जॉर्ज यूल एक लिंग्विस्ट है, उसने ये बात कही थी कि पोलाइटनेस एक्चुअली है क्या, ये आपकी कंसिडरेशन है, आपका एक चेहरा है, मतलब आपके अंदर आपकी काइंडनेस है, आप लोगों के सामने अच्छे हैं, आप लोगों के सामने बुरे हैं, आप पोलाइट कंसिडर होते हैं, या आप क्या है, मतलब आपका जो सेल्फ इमेज है लोगों के सामने, इसको पोलाइटनेस कहा जाता है। पोलाइटनेस इन लैंग्वेज इज़ सेंटर्ड ऑन द नोशन ऑफ फेस, आपके चेहरे के मतलब एक आइडिया के ऊपर बात की जाती है। डेफिनेटली आपके जो फेस एक्सप्रेशन है और या फिर आपके जो अल्फाज हैं वो मैटर करते हैं कि आइदर यू आर पोलाइट टू समवन और यू आर इन अ रूड मैन बिहेविंग इन अ रूड मैनर। तो इसमें जो फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक बात की जाती है, फेस इसमें है क्या, लिंग्विस्टिक्स में फेस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द पब्लिक सेल्फ इमेज दैट एवरी मेंबर वांट्स टू क्लेम फॉर हिमसेल्फ। मतलब हर बंदा जो चाहता है ना कि लोग उसके बारे में ये एक इमेज रखें, सेल्फ इमेज है जो आपका फेस है। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल फेस बट इट इज़ बीइंग एज इट कैन बी कंसिडर्ड एज योर रेपूटेशन, आपकी जो रेपूटेशन है उसको कंसिडर किया जा सकता है। एंड द एफर्ट्स मेड बाय इंटरलोकेटर्स टू मेंटेन ईच अदर्स फेस, ठीक है, और मतलब एक दूसरे के साथ किस तरह से आप कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के जो इमेजेस हैं, एक दूसरे के बारे में जो आपके इमेजेस बने होते हैं। अंडर पोलाइटनेस थ्योरी देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव फेस। एक पॉजिटिव फेस होता है, एक नेगेटिव फेस होता है। पॉजिटिव फेस क्या होता है, जिसे दूसरे लोग एडमायर करते हैं, अप्रूव करते हैं कि यार ही इज़ सच अ गुड मैन फॉर एग्ज़ाम्पल। और नेगेटिव फेस क्या होता है, नेगेटिव फेस में इस तरह से होता है कि यू सीम्स टू बी रूड आर लिटिल बिट टफ फॉर द अदर्स, और आप नहीं चाहते कि कोई दूसरे आपके ऊपर अपनी कोई जो है मर्जी है वो आपके ऊपर थोपें, इसको नेगेटिव फेस कहा जाता है, ठीक है। पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज विल डिफर डिपेंडिंग ऑन वेदर अ पर्सन इज़ डीलिंग विद अनदर पॉजिटिव और नेगेटिव फेस। अब आगे आ जाते हैं कि आपकी जो पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज हैं वो ये है कि आप किस फेस के साथ लोगों को डील कर रहे हैं। तो उसमें एक फेस थ्रेटनिंग एक्ट है, ठीक है। फेस थ्रेटनिंग एक्ट ये होता है कि जब आप दूसरे बंदे को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थ्रेट करते हैं, थ्रेट से मुराद कि जब आप दूसरे के लिए थोड़े रूड हो जाते हैं, थोड़े हार्श हो जाते हैं। इफ़ यू से समथिंग दैट रिप्रेजेंट अ थ्रेट टू अनदर पर्सन सेल्फ इमेज, मतलब दूसरे बंदा जब आपको थोड़ा सा उसका जो सेल्फ इमेज है वो थोड़ा सा दब जाए या आपके लिए मतलब आप थोड़े हार्श होकर बात करते हैं तो इसका फेस थ्रेटनिंग एक्ट कहते हैं। जिस तरह ये एक आपकी एक एग्जाम्पल दी गई है कि गिव मी दैट पेपर, मतलब आप एक डायरेक्ट आप उससे कह रहे हैं कि मुझे ये पेपर दें, ठीक है ना, आप रिक्वेस्टिंग के मोड में हैं, आप जो भी मैनर्स हैं आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट कह रहे हैं गिव मी दैट पेपर, जस्ट लाइक एक बॉस जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है। यू आर बिहेविंग एज इफ़ यू हैव मोर सोशल पावर दैन द अदर पर्सन। फेस सेविंग एक्ट क्या होता है कि जब आप दूसरे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल करते हैं और आप उसको थ्रेट नहीं करते बल्कि आप उससे रिक्वेस्ट वाले लहजे में बात करते हैं। वेन एवर यू से समथिंग दैट लेसन्स अ पॉसिबल थ्रेट, ठीक है, टू अदर अनदर्स फेस। आगे एग्जांपल उसने दिया कि जिस तरह ऊपर वाली थी कि गिव मी दैट पेपर, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट वाले दो अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, कुड यू पास मी दैट पेपर, क्या आप मुझे ये पेपर दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अगले बंदे के ऊपर आपका एक अच्छा इमेज गया और आपके बारे में मतलब वो जो नेगेटिव फेस वाला था वो इमेज ख़त्म हो गया। आगे आ जाती है पोलाइटनेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलाइटनेस। एक नेगेटिव पोलाइटनेस है, इसमें क्या होता है कि जी अ फेस सेविंग एक्ट विच इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ पर्सन नेगेटिव फेस, इट टेंड्स टू शो डेफरेंस कंसर्न फॉर अदर्स टाइम एंड मे आल्सो इंक्लूड एन अपोलॉजी फॉर द इम्पोजिशन। आप दूसरे बंदे के ऊपर अपना एक फैसला इम्पोज कर रहे होते हैं बट आप क्या कर रहे हैं, साथ में आप थोड़ी सी पोलाइटनेस को भी यूज़ करते हैं। जिस तरह उसने एग्जाम्पल दिया है, कुड यू लेंड मी योर पेन, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट कैन आई आस्क फॉर अ पेन और समथिंग, ठीक है, मतलब आप रिक्वेस्ट वाले लहजे में हैं लेकिन आप दूसरे के ऊपर आप अपनी एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि भाई प्लीज़ ये मेरा ज़रा ये काम कर दें। और पॉजिटिव पोलाइटनेस में क्या होता है कि आप थोड़ी फ्रेंकनेस के साथ बात करते हैं, जिसमें क्या होता है आप एक दूसरे के ऊपर फैसला इम्पोज नहीं करते बट यू मस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप।
तो इसमें उसने कहा है कि फेस सेविंग एक्ट विच इज़ कंसर्न विद द पर्सन पॉजिटिव फेस। एग्जाम्पल उसने दिया, हे बडी आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू वुड लेट मी यूज़ योर पेन। ठीक है, मतलब उसके अल्फाज ऐसे हैं कि एक फ्रैंकनेस का माहौल नज़र आ रहा है। आगे थ्री मैक्सिम्स ऑफ पोलाइटनेस है, मतलब पोलाइटनेस के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। डोंट इम्पोज, आप दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी को इम्पोज ना करें, आप थोप में नहीं बल्कि उसको थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट वाले लहजे में बात कर लें। ठीक है, गिव ऑप्शंस, अगले बंदे को ऑप्शन दें कि कुड यू प्लीज़, मतलब अगर वो करना चाहे या ना करना चाहे उसको ये ऑप्शन दें। मेक योर हियरर फील गुड, उसे आपके अल्फाज से तकलीफ़ ना हो या वो आपको अपने आप को इन्फीरियर ना समझे, तो उसको एक अच्छा फील करें। यू आर बेटर एट दिस टाइम दैन मी। ठीक है, तो ये होती है सारी पोलाइटनेस। आगे है जनाब हमारा 1.5 स्पीच एक्ट थ्योरी। स्पीच एक्ट क्या है कि जब जो फंक्शन आपके अल्फाज तय करते हैं उनको स्पीच एक्ट कहा जाता है। अब अल्फाज कौन से फंक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने अल्फाज के साथ बंदे को गुस्सा कर सकते हैं, आप उस बंदे को थ्रेट कर सकते हैं, आप उस बंदे को जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारे स्पीच एक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन द स्पीच एक्ट थ्योरी इज़ अ फाउंडेशन पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाउ मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड विद इन कन्वर्सेशन। आपके मीनिंग्स किस तरह से कन्वर्सेशन के अंदर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कि आप हाई ट्यून में बात कर रहे हैं, आप गुस्से से बात कर रहे हैं, आप आहिस्ता से बात कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन एंड शर्ले, लैंग्वेज इज यूज टू डू थिंग अदर देन जस्ट रेफर टू द ट्रूथ एंड फॉल्सनेस ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब लैंग्वेज क्या है, इज़ यूज टू डू थिंग्स, लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं कुछ काम करने के लिए, अदर देन जस्ट रेफर टू ट्रूथ एंड फॉल्सनेस ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। एक तो होता है किसी चीज़ के बारे में आप ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, इसके अलावा भी लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे काम करती है। स्पीच एक्ट आर डिफाइंड एज व्हाट एक्शंस वी परफॉर्म व्हेन वी प्रोड्यूस अटरेंसेस। वो एक्शन जो हम अपने अटरेंसेस के साथ लेते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्शन उनको स्पीच एक्ट कहा जाता है। सिमिलर टू फिजिकल एक्ट, पीपल आल्सो परफॉर्म एक्ट्स बाय यूजिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ भी जिस तरह आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, टू मेक रिक्वेस्ट हो सकता है, टू गिव वार्निंग और टू गिव एडवाइस, टू डू things that go beyond the literal meaning of what we say. अच्छा, facets of speech acts आगे, मतलब वो उसकी बता रहा है कि ये स्पीच एक्ट जो हैं वो सिस्टम में आप उनको कैसे तीन तरह के हो सकते हैं। आगे उसने बताया कि लोकेशनरी एक्ट है, लिटरल मीनिंग ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स व्हाट स्पीकर सेज एंड मेक सेंस, मतलब जो बात कही जा रही है ठीक है उसका लिटरल मीनिंग, जो बात अल्फाज हैं उसका लिटरल मीनिंग है क्या, उसके वो जो अल्फाज हैं उनका मतलब क्या है जो स्पीकर ने कहे हैं। वो लोकेशनरी एक्ट है, इलोकेशनरी एक्ट स्पीकर्स इंटेंशन इन अटरिंग द वर्ड्स। अब स्पीकर की इंटेंशन क्या है उन अल्फाज को कहने के लिए। द यूज टू विच लैंग्वेज इज़ पुट इन टू द सोसाइटी, ठीक है मतलब वो क्या सोच के उसकी इंटेंशन क्या है ये चीज़ें कहने के लिए, ठीक है वो किस इरादे से ये कह रहा है। द इफेक्ट आर टेक अप ऑफ एन अटरेंस ऑन द थॉट और एक्शन ऑफ द अदर पर्सन व्हाट फॉलोज एन अटरेंस। अब जिस बंदे ने आपकी वो मैसेज को सुना है उसके जहन में क्या आपकी वो बात आई, उसने उस चीज़ को कैसे परसीव किया आपके अटरेंसेस को, ये पर लोकेशनरी एक्ट है। मतलब जो उसने सोच के जो उसके जहन में आपके बारे में बात आएगी इसको पर लोकेशनरी एक्ट कहते हैं। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो रिक्वेस्ट वाले थे, आपने तो रिक्वेस्ट वाले अल्फाज इस्तेमाल करे, अब अगले बंदे ने क्या परसीव किया, उसके थॉट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसने क्या एक्शन लिया, दैट इज़ नोन एज पर लोकेशनरी एक्ट। अब स्पीच एक्ट्स की कुछ टाइप्स हैं, जल्दी जल्दी उनको भी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्ले 1976 ऑल द स्पीच एक्ट्स फॉल इनटू फाइव मेन टाइप्स, पांच तरह के हो सकते हैं ठीक है। पहले है रिप्रेजेंटेटिव्स, कमिट द स्पीकर्स टू द ट्रूथ्स ऑफ द एक्सप्रेस्ड प्रोपोजिशंस, स्टेट व्हाट द स्पीकर बिलीव्स टू बी द केस और नॉट। जो भी मतलब बात है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, सिंपल सी बात है, या तो आप कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। द अर्थ इज़ फ्लैट, इट वॉज अ वार्म सनी डे, आप मतलब सिंपल सी एक बात है कि आप एक स्टेटमेंट के बारे में एक्सेप्टेंस और डिनाई आप उसको कर रहे हैं ठीक है। डायरेक्टिव्स है, अटेम्प्ट बाय द स्पीकर्स टू गेट एड्रेसी टू डू समथिंग, व्हाट स्पीकर वांट्स, रिक्वेस्टिंग हो सकता है, क्वेश्चनिंग हो सकता है, मतलब आप क्या करते हैं डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मतलब आप दूसरे बंदे से कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप उससे कुछ पूछ रहे हैं। जिमी अ कप ऑफ कॉफ़ी, डोंट टच दैट, ठीक है ये एक मतलब आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करें, इस कप ऑफ कॉफ़ी को आप टच नहीं करें। अब कमिसिव्स क्या है, कमिट द स्पीकर्स टू सम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट ही और शी इंटेंड्स, प्रॉमिसिंग, थ्रेटनिंग, ऑफरिंग और रिफ्यूजिंग, ठीक है आप मतलब उससे कोई कमिट करते हैं फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, जिस तरह इसने एग्जाम्पल दिया कि आई विल बी बैक, वी विल नॉट डू दैट।
मैं मार रहा हूँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आप जब फ्यूचर में आप कोई ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो कि फ्यूचर में आप एक्शन लेंगे, तो इसको कमिसिव्स कहते हैं, कि मतलब यू आर कमिटिंग समथिंग टू डू इन फ्यूचर। आगे एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस अ साइकोलॉजिकल स्टेट आर व्हाट अ स्पीकर फील्स, थैंकिंग, अपोलोजाइजिंग, वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेटिंग। आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने साइकोलॉजिकल स्टेट को, जो स्पीकर मतलब आर व्हाट अ स्पीकर फील, या फिर जो स्पीकर फील करते हैं आपके बारे में, या जो आप साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन, आप उसको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, आप वेलकम कर रहे हैं, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ यस ग्रेट, ठीक है। मतलब ये सारी बातें जब आप किसी को अपने आप अपनी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स को, आप थाट्स को एक्सप्रेस करते हैं। डिक्लेरेशन है, इफेक्ट इमीजिएट चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑफ अफेयर्स रिलाई ऑन एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स इंस्टीट्यूशंस मैरियंग डिक्लेयरिंग वॉर एंड फायरिंग फ्राम एम्प्लॉयमेंट। आई नाउ प्रोनाउंस यू हजबेंड एंड वाइफ, यू आर आउट। ठीक है, आप डिक्लेरेशन से क्या मुराद है कि आप किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर कर देते हैं कि बस ये बात ऐसे होगी तो ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उसने एक एग्जांपल दिया है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ को मुखातिब करके कह रहा है कि मैं आपके लिए मतलब कहता हूँ यू आर आउट, आप मतलब चले जाएँ। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीक चेक, और आज हमारा मतलब ये लेसन जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया है, लेसन 21। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही नेक्स्ट वीडियोस बनाने में मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर मैं कहीं पे कुछ सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो तब भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। बट रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।